ठीक है, क्या पता चला? क्वेश्चन का जब डेटा है ना इसका, दो तरीके का फिगर हम लोग करेंगे, उसके बारे में हम लोग बहुत चीज़ें देखेंगे कि बीच बीच में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक दो फिगर के बारे में भी हम कुछ कुछ निकालना सीखेंगे। तो एक फिगर है उसमें डेटा हेड नॉन और दूसरा है पैरेलल पार्ट। ठीक है, अब क्या होता है डेटा हेड नॉन? तो ये जो है पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का मतलब होता है ऐसा फिगर है ना जिसका साइड का जो फेस होता है स्लैंट फेस है ना, जैसे कोन करते हो ये कोन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट टाइप है ना, ये तो 2D फिगर है। ठीक है, जब हम 3D फिगर करते हैं टेट्राहेड्रॉन तो उसमें जो 3D ज्योमेट्री होगा उसका जो साइड वाला शेप साइड का जो फेस होना चाहिए यदि वो ट्रायंगुलर है, यदि वो फेस ट्रायंगुलर है ना तो हम उस फिगर को क्या बोलते हैं? पिरामिड। नहीं, अभी हम पिरामिड बता रहा हूँ मैं, क्या पिरामिड का मतलब क्या है? ऐसा फिगर जिसका साइड का स्लैंट फेस जो हो वो क्या हो? ट्रायंगुलर। ठीक है, स्लैंट फेस यदि ट्रायंगुलर होगा तो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? पिरामिड। ठीक है, जो टेट्राहेड्रॉन है वो एक टाइप का पिरामिड ही। ठीक है, इसका मतलब साइड का फेस
ठीक है। अब यदि हम इस फिगर में बात करें कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस बताओ, नंबर ऑफ वर्टिक्स, वर्टिक्स मतलब ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर, ये साइड को क्या कहते हैं, वर्टेक्स है ना, कितने वर्टेक्स है, चार। फेसेस कितने हैं, चार। और साइड्स कितने हैं, एजेस मतलब साइड, कितने साइड होते हैं, अब वो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा, वो यहाँ तुमको नहीं दिखेगा। तो एक दो तीन, ये तो तीन ये हो गया, अब तीन नीचे हो गया, तो कितने आ गए, ठीक है।
ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखना ये ए है, देखो इधर ये ए है, बी सी डी आर है ना, और जो जी है वो सेंट कार्ड है किसका, चलो उसको जीवन चलो, ठीक है जो जीवन है वो किसका सेंट कार्ड है, जो नीचे फेस है उसका, तो बीच में कहीं होगा अंदर में होगा ये अभी दिखेगा नहीं। अब ए से हम इसको मिला दें, ठीक है इस ए से हम इसको ठीक, जो टेट्राहेड्रॉन का सेंटर होगा है ना, जो इस फिगर का अंदर में होगा उसमें दिखेगा नहीं, जो इस फिगर का सेंट्रॉइड होगा सेंटर होगा वो यहाँ कहीं जिसको हम जी से या जो सी से, ठीक है ये जो सेंटर है ये क्या करता है, इस एजीवन लाइन को प्लीज टू वन रेशियो में डिवाइड, जैसे आपने कल बताया था ना मीडियन, मीडियन जो होता है सेंट्रॉइड उसको टू टू वन रेशियो में डिवाइड करता है, तो वैसे ही टेट्राहेड्रॉन में ये जो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन है वो इस लाइन को थ्री इज टू वन रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें निकालना है सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो क्या तो इस पॉइंट का ओरिएंट तुमको पता है, ए का ओरिएंट पता है, सेक्शन पता है, मतलब क्या है 3 इनटू दिस 3 इनटू जी1 प्लस 1 इनटू ए अपॉन 2 और सेक्शन फॉर्मूला ये होता है दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस अपॉन जी प्लस सब जी। अब जी1 का ओरिएंट क्या है,
ठीक है, कोई दिक्कत। अब पैरेलोग्राम में क्या होता है,
बेस होता है, है ना, वो भी एक पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का मतलब क्या है, स्लैंट फेसेस तो पैराबोला हो गई हो बट इसका बेस भी पैराबोला, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान सा फिगर है। क्यू वाई टाइम मतलब क्यू, क्यू वाई टाइम मतलब उसी तरीके का दिखेगा। क्यूब, क्यूब में क्या होता है, उसका साइड वाला फेसेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, साइड वाला फेसेस रेक्टेंगुलर होता है। इसमें क्या होगा, साइड वाला फेसेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, मेन डायगनल या बॉडी डायगनल। कितने होंगे, चार।
कोई दिक्कत? अब आ जाओ चार कर ले। देखो इस B को S से मिला, एक तो ये होगा। A को G से मिला, ठीक है। F को B से मिला, और E को C से मिला, ठीक है। चारों ऊपर वाले को उस कॉर्नर, देखो ऐसे टूटे होते ना, उस कॉर्नर को उस कॉर्नर, एक उस कॉर्नर को उस कॉर्नर, दो उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से, उस कॉर्नर को उस कॉर्नर, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ फेस टाइप। फेस टाइप का मतलब ये तो एक फेस है कितना ना, इसमें तो एक वीडियो जाएगा, इस फेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस फेस पर उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर, दोबारा छह फेस है, दोबारा a pattern।
कैसे रखते हैं, टोप लेना या नॉन टोप लेना? नॉन टोप लेना, ये तीनों एक ही प्लेन में हो जाएंगे। ये दो तो चले एक प्लेन में, ये तो ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। वी रिक्वायर टू नॉन टोप लेना। प्यारे की बात याद आना चाहिए, करो